सिटी की पूरी यंत्रणा अब कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए है तैयार। शनिवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन रहा पूरी तरह से सफल। राज्य के मंत्री सुनील केदार ने शनिवार को कलमना मार्केट यार्ड में किसानों और व्यापारियों को किया संबोधित। 6 जनवरी से सिटी के 70% इलाकों में 20 से 22 लाख नागरिकों को एक दिन के आड़ में दिया जाएगा पानी। विदेशों की तरह अब जल्द ही राज्य में भी सभी इमरजेंसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी उपलब्ध। राज्य सरकार सभी इमरजेंसी सेवाएं एक ही नंबर पर कराएगी उपलब्ध। किराए का फ्लैट लेकर क्रिकेट का सट्टा चला रहे बुकी तन्नू चेलवाली के अड्डे पर क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने मारा छापा। मध्य रेल नागपुर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के अंतर्गत डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित चौथी कड़ी में रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया पुरस्कार प्रदान। हिवरी नगर परिसर में हथियार लेकर उत्पात मचा रहे अपराधी को क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने किया गिरफ्तार। कलमना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेन लगाकर 3,36,000 रुपए का माल पर किया हाथ साफ। पुलिस ने पेठे लेआउट ओम साई नगर निवासी रघुनाथ गंगाधर राव बिस्ने की शिकायत पर किया मामला दर्ज। क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 ने गोरेवाड़ा रिंग रोड पर स्थित एक अवैध गैस गोदाम पर मारा छापा। कालाबाजारी कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। केंद्रीय प्रवेश समिति द्वारा किए जा रहे 11वीं प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष राउंड में केवल 6,520 छात्रों ने ही किया प्रवेश।